हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। यूट्रस डिसीज को ठीक करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक के साथ मैं योगासन आपको बता रही हूँ। आपको डेली करना है, लेकिन कुछ योगासन ऐसे हैं जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकते हैं, सामान्य सांस की गति में कर सकते हैं। लेकिन आपको वही योगासन करना है जो आपके लिए आसान है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। टफ योगा पोज जो आपसे न हो सके उसे कृपया करके रहने दे, उसे करने की कोशिश न करें, अन्यथा आपको हानि पहुंच सकती है, अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सभी योगासन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब आइए योगासन की तरफ चलते हैं। सर्वांगासन से शुरू करते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन। सांस आपकी सामान्य है, लेग्स को हेड की तरफ बेंड करें। यह है विपरीत करने, सांस की गति सामान्य रहेगी। एक लेग को नीचे फोल्ड कर नी को हेड के ऊपर रखें, फुट को दूसरे लेग के नी के ऊपर रखें। दूसरे लेग में भी दोहराएं। लेग्स को हेड की तरफ बेंड करें। यह है हलासन। लेग्स को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, होल्ड करते हुए स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से फोल्ड कर चेस्ट के पास दोनों हाथों से प्रेस करें। सांस छोड़ते हुए हेड को ऊपर उठाएं, नोज को नीचे से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ हेड को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। एक्सहेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। 2 मिनट तक 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक लेग के ऊपर भी पवन उत्तासन योगा पोज करें। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें। एक्सहेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं, नोज को नीचे टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर रुकें। 30 सेकंड तक रुकना है।
इनहेल के साथ हेड को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं, एक्सहेल के साथ लेग को वापस ले जाएं, दूसरे लेग में भी दूर आए। अब है लेग्स अपनी वॉल पोज, लेग्स को वॉल के ऊपर स्ट्रेट रखना है। आइए देखते हैं, नीज को फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ड्यूरेशन 5 मिनट। दोनों हाथों को बगल में रखें या तो हेड के पीछे भी रख सकती हैं। इस पोज में लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इसी तरह बहुत सारे इफेक्टिव योगासन है जिनको करने से यूट्रस डिसीज ठीक होती है। साथ में दोस्तों हेल्दी आहार आपको लेना है, योगासन नियमित करें। धन्यवाद दोस्तों।